मंडल जन अलीगढ़ व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन सोमवार को राजघाट का निरीक्षण किया तथा राप्ती नदी के तट पर बन रहे घाट एवं नदी में आ रहे नाले की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंडल जन अलीगढ़ ने निर्देश दिए कि नालों को टैप कराने के लिए सिंचाई विभाग, जल निगम एवं नगर निगम के मुख्य अभियंता मिलकर 3 दिनों के अंदर अपनी कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें तथा योजना के लिए तकनीकी फिजिबिलिटी का विशेष ध्यान रखें। घाट के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि राजघाट की ओर 180 मीटर तथा रामगढ़ साइड में 100 मीटर के घाट का निर्माण हो रहा है। बरसात की वजह से कार्य करने में दिक्कत आ रही है। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने सहित जल निगम, नगर निगम के मुख्य अभियंता और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए मंडलायुक्त जय नालिकर ने कहा, बट ये जो पार्किंग, ये इंटरलॉकिंग वाले पार्किंग है सर, ये तो पब्लिक के लिए आने जाने का है सर। ये बाहर हम लोग खड़े हैं तो सर उसको ये भी कुछ लगाया तो है पेड़। कितना प्रतिशत किया मंदिर तरफ से अभी रह गया ना, काम हो रहा है कितना बोल अंदर जो जा मतलब आपका काम तो नीचे अधूरा रह गया। कितना 30 50 यही तो लगाना पड़ा। पहले वाले प्रोजेक्ट में कितना था? 100 तो उधर की बात मत करिए। इधर 100 बनाया था सर, प्लस 50 आके 50 ऐड हुआ है और प्लस 30 उधर 150 सिंह साल में था, उधर 100 करके 50 था। सो 180 मीटर, सो 100 में 100 मीटर का मोस्टली काम हो गया और 80 मीटर बाकी है। पूरा पैच कवर कर रहे हैं सर, और नीचे भी पूरा पूरा कवर है बिल्कुल सर। दोनों कर लेते हैं वही सर, लेकिन ये इजियर है, ये इजियर है सर। कच्चा आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर गिर जाने से यहाँ इतना गंदा नहीं दिखेगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ इसको गिराओ, इसमें भी नेरी कुछ कर ले, बायो क्लीनिंग टेम्परेरी काम तो यहाँ पे करेगी ना, हाँ जहाँ भी करें। और ये बाकी जो अब बचा है रिमेनिंग, सपोज इसमें आपने 60% निकाल दिया, 40% को यहाँ करके इसको करा, 40% का सर हम रोड से करा लेते हैं, रोड से करा के सर इधर कहीं रोड पर कैसे ले, क्या ले जाएंगे सर रोड पे सर? क्यों पे छोटा पड़ेगा सर, ज़्यादा नहीं पड़ेगा लेकिन डिस्टर्ब कम हो जाएगा। खाबड़ बंदा कितना चौड़ा है रोड, कितने मीटर की है उसमें, मतलब रोड का ऊपर टॉप वाला? एक बार हवा बंदे में चलेंगे, 7 मीटर हम यहीं से तो उतरे हैं कहीं 7.5 होगा ना सर जी सर। हमें सर इतने क्रॉस करना, मान लीजिए कहीं से मेजर इधर तो कच्चा खोद लेंगे सर, इधर के छोटी छोटी स्कीम की कहीं एक पैकेट में यहाँ से डाइवर्ट कर देंगे, फिर इधर से ले आकर यहाँ गिरा देंगे सर। ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर में करेंगे तो काम हो जाएगा। मतलब ये नदी के ये जो सबसे सर तब भी सर एक्चुअली सर तब भी हेड में गिरेगा सर एक्चुअली, तो आज नहीं तो कल इसी के भी ट्रीट तो करना पड़ेगा सर।
मतलब उससे सर केवल थोड़ा सा फायदा इसको मिल जाएगा, अदरवाइज एनजीटी वाला फायदा नहीं मिलेगा। एनजीटी वाला नहीं मिलेगा सर, इसमें डाइल्यूशन हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे उतना इम्पैक्ट नहीं। लेकिन एक बात है, मई अप्रैल महीने जब पानी कम होगा ना, फिर पूरा काला काला रंग का दिखता है। नहीं, यही फीजिबल है, ये फीजिबल नहीं है ताकि इसी एरिया में सर वर्कएबल नहीं है सर, मतलब ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ। अब आप बताओ कि यदि यहाँ पर हम डालते हैं, सपोज ये आप कितना बता रहे हो, 2 किलोमीटर 2.6 किलोमीटर होता है, सपोज ये इधर गिराएंगे तो इधर पास सर, उससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि जैसे इनको अल्टीमेटली करना ही है वो काम, तो वो वाला काम इधर से नज़दीक भी है। कहाँ, यहाँ पर एवरेज हाइट है ठीक है सर। तो इसमें जो नाले, अगर ये सिटी साइड है सर, ये रिवर साइड है, अगर यहाँ से अगर कोई नाले आ रहे हैं सर, वो इस लेवल पे आ रहे हैं और यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे सर। का समय आने वाला है सर, अभी ये सर नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर कहीं अचानक नेपाल से पानी आ गया सर। कभी चैनल हुआ लगाएंगे सर, यहाँ फाइलिंग करके ले जाए तो आपका हाई फ्लड लेवल के वो आगे तो आगे जाए, मतलब जो है सर उसमें रेगुलेटर इसीलिए लगे हुए हैं कि इधर का लेवल नीचे हो जाता है सर, वहाँ इधर का ऊंचा हो जाता है, सर का कम हो जाता है, तो वही पंप 11 लगे हुए हैं कि हम पंप आउट करना पड़ता है। तो ये सो एनीथिंग हार्डवेयर बंडे के लिए इधर करना, हाँ रिस्की है सर। देखिए ये जो राजघाट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका प्रगति कैसी है हम लोग देखना चाहते थे, और साथ ही जो इसमें आसपास जो नाले गिर रहे हैं उनका शोधन कैसे किया जाए, जिससे कि बाद में ये जो केंद्र एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप होगा। और ये ठीक नहीं है कि इतना गंदा नाला इतना बड़ा यहाँ पर गिर रहा हो, इसका ऑलरेडी एक जल निगम की तरफ से प्रोजेक्ट बन रहा है, और वही उसकी फीजिबिलिटी हम लोग स्टडी करना चाहते थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे प्रोजेक्ट आना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में ये पूरा जगह जो है दोनों साइड राजघाट और रामघाट जो है एक आकर्षण टूरिस्ट आकर्षण केंद्र के रूप में पूरा डेवलप हो सके। बारिश में बरसात की वजह से कुछ निर्माण कार्य दिक्कत आई, बिल्कुल बरसात की वजह से अब जैसे वाटर लेवल बढ़ गया है तो नीचे की तरफ जो कार्य हो रहा था उसकी प्रगति पर थोड़ा सा विराम लगा है, लेकिन जैसे ही बारिश थोड़ा सा लेवल डाउन होगा ये लोग फिर काम कर पाएंगे। लेकिन बरसात की वजह से, क्योंकि 2-3 दिन से आप देख रहे हैं जो बरसात हो रही है,
उससे थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा ही।